कोई भी बर्थ चार्ट पढ़ने के लिए सिर्फ केपी में सिर्फ आपको चार चीजें देखनी है, पांचवी कोई चीज नहीं है, चार चीजों को समझना है आपको और इन चार चीजों से आप पूरी केपी कर पाओगे. फोर कॉम्पोनेंट्स ऑफ अ बर्थ चार्ट इज हाउसेस, जो हमने अभी आपको बताए कि भी 12 घर होते हैं. साइंस, जो हमने आपको बताया कि भाई चंद्रमा और सूर्य को छोड़ के बाकी सभी प्लैनेट्स के पास दो दो स्टार साइंस हैं. एसेंडेंट, जो पहले घर में आपकी कुंडली में नंबर लिखा गया है उसको हम एसेंडेंट मानते हैं, प्लस प्लैनेट्स. अब आपसे कभी भी आपको ये सब कोई पूछे कितने प्लैनेट्स हैं, सात ही बोलिए, नौ नहीं बोलिए. भाई सात प्लैनेट हैं, दो जो है वो शेडो प्लैनेट्स हैं और वो सिर्फ बिंदु हैं. उनका उन वो कैसे काम करते हैं वो भी आपको केपी से पता चलेगा. हाउसेस हैव मेन फंक्शन ऑफ प्रोवाइडिंग थिंग्स इन लाइफ. अच्छा, अब ये जो घर है ये कैसे काम करते हैं, घर काम करते हैं, घर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी हर एस्ट्रोलॉजी की पद्धति में, चाहे आप वैदिक ले लो, केपी ले लो, लाल किताब ले लो, क्योंकि ऊपर वाले ने हर घर के कुछ हर घर को कुछ काम दिया है. जैसे आप एक कॉलोनी मान के चलें कि भाई वहां पे 12 घर हैं, एक घर में चाय बनती है, दूसरे घर में आपके लिए समोसे बनते हैं, तीसरे घर में आपके लिए पकोड़े बनते हैं, चौथे घर में आपको बुला के प्यार से कोई खिलाता है, पांचवें घर में आपको जो है घर ट्यूशन हो रही है कि भाई आप ट्यूशन लेने जाते हो पांचवें घर में, छठे घर में आप जो है जाके अपनी बायोडाटा जो होते हैं जॉब के लिए वो भरते हो, या आप उसको कहते हो छठे घर में जाके कि भाई मेरे को लोन चाहिए, या आपको कोर्ट केस आ जाता है वहां जाते हो. सातवां घर जो है वो आपकी पत्नी को आप पसंद करते हो. आठवां घर जो है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हाउस है क्योंकि वहां से हमारी डेथ देखी जाती है. नाइन्थ घर जो नोवा घर है कॉलोनी में, उसके अंदर जो है आपके पिता बैठते हैं, आपके गुरु बैठते हैं, आपके इष्ट देव बैठते हैं, वहां से आपका रिलीजन पता चलता है कि भाई आप जो है वो कौन से रिलीजन को बिलोंग करोगे. दसवां घर जो है आप अपनी ऑक्यूपेशन की, भाई आपने क्या पढ़ाई करी उस पढ़ाई को आप कैसे यूज करोगे, वहां से देखा जाता है दसवां घर जो है वो. ग्यारहवां घर जो है वो जो है आप जो जब ग्यारहवें घर जाते हो तो आपको ना अपनी बहुत सारी विशेज होती हैं कि भाई मैं ये ले लूं, मैं ये पहन लूं, मैं ये खा लूं, तो वो ग्यारहवां घर जो है आपको वो देता है. और जो ट्वेल्थ हाउस है वो आपको रात की नींद देता है. मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो बारहवां घर है वो रात की नींद देता है. अब हॉस्पिटल में जब इंसान जाता है तो वो लेटता ही है ना, वहां जाके बैठता तो नहीं है, खड़ा तो नहीं होता, तो हॉस्पिटल भी हम बारहवें घर से देखते हैं. तो हाउसेस का जो फंक्शन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. हाउसेस के बेसिस पे ही केपी पूरी चलती है.